हेलो गाइज, नमस्ते। वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वैक्सीन लगा के हो गया है एक दिन पूरा और एकदम ठीक है। मतलब मैं और अक्षय भाई, कोई भी लक्षण नहीं है हमें। और आज आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मामी जी की रिपोर्ट लेने जाना है, तो अभी वहाँ पर निकलेंगे। और आज का डे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि उन आपसे शेयर किया जाए। तो मैं थोड़ा ऊपर आया था टेरेस में, थोड़ा सामान मेरे को कलेक्ट करना था यहाँ से, तो अब मैं निकल रहा हूँ नीचे और वहाँ अक्षय भाई भी रेडी है ऑलमोस्ट। बाकी नानी को मैं बाय कर देने आया था। ओके जी, बाय बाय। जा रहे हो? जा रहे हो आप आज? चलो बताना फिर अगर जैसा भी हुआ। निकल रहे हम। ओके ओके जी, बाय बाय। तो अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी आए, जल्दी अपने काम करके आए। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करवाए, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है जी, ओके। तो बस अब निकल रहे हैं। अक्षय भाई नीचे वेट कर रहे हैं मेरा, मैं एकदम रेडी हूँ। तो ये नीचे आ गए अक्षय भाई। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, धीरे धीरे आप देख रहे हो कितने कपड़े हम डाल रहे हैं। तो भले ही धूप आई है पर ठंड, इतनी ठंडी हवा है क्योंकि पहाड़ों में जो है ना ऊपर बर्फ पड़ चुकी है। तो अभी इतने कपड़ों में मेरे को ठंड लग रही है। ये बताना हम भूल गए आपको कि हमने वैक्सीन लगाया सेकंड डोज और हम बिल्कुल ठीक है। इस बार तो बाजू में भी ज्यादा दर्द नहीं है, तो थैंक गॉड हम लोग सही है। और आप लोगों को आई एम श्योर देखना, आपको भी ठंड लगेगी हमें देखते देखते। अब चलते ऊपर को। हेलो, कैसे हो? क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? मैं? गला नहीं खराब होगा? नहीं, गला बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो ठीक है फिर, बाय, ध्यान रखना। ओके मामू, बाय बाय। तो हम गाड़ी में पहुंच गए थे, बीच में मामू मिल गए थे तो उनसे मिले। और अब यहाँ हम दोबारा विकास नगर के जाम में एज यूजुअल जैसे फंसते हैं वैसे ही फंस चुके हैं। बहुत ही बुरा, हर बार की तरह जब भी हम निकल रहे हैं यहाँ पे जाम लगी रहा है कहीं ना कहीं। तो आज कंडीशन ऐसी है कि हमें कहीं भी पार्किंग नहीं मिल रही है। तो अब हमने डिसाइड किया है, मैं मम्मी के साथ अंदर जाता हूँ तो उनको मैं उनकी रिपोर्ट्स लेता हूँ, चेक करवाता हूँ। ध्रुव गाड़ी में ही बैठेगा, अगर पुलिस वाले आएंगे या फिर गाड़ी आगे पीछे करनी होगी तो ये खुद देख लेगा। ठीक है, देखो। हाँ जी, डन। तो फिर मैं कार की सेफ्टी करता हूँ, अक्षय भाई अंदर जाके फटाफट काम करवा के आता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थंबनेल एडिट कर लेता हूँ तब तक, क्योंकि आज व्लॉग डालना है 3 बजे। Few moments later. तो जी अक्षय भाई आ गए। हाँ जी, हाउ इज द रिपोर्ट? तो भाई भगवान के देन से और आप सबके परिवार से रिपोर्ट सारी ठीक है। मम्मा भी फिट है, थोड़ा सा वॉक करने को कहा है, शुगर कम खाने को कहा है, मतलब थोड़ा सा शुगर है पर कोई नहीं। चाय कम पिया करो ना दादी, और ये चाय बहुत पीते और मीठा बहुत लेते हैं। आप लोगों को मीठा कम लेना पड़ेगा। अरे उसमें चिन्नी सबसे बड़ा जहर है शुगर की। निकलते डायरेक्ट मामी जी को विकास नगर में छोड़ते हैं और उसके बाद जो आप इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बोला था वो स्टार्ट करते हैं। Few moments later. तो हमने मामी जी को छोड़ दिया है, अब हम निकल रहे हैं अपनी इंटरेस्टिंग लोकेशन में। ध्रुव घर बैठे बैठे ना काफी टाइम से बोर हो रहा था, इसको ऐसा हो रहा था यार हम बाहर ही नहीं गए तो कहीं तो चलो। फिर इसको याद आई वो जगह, क्योंकि मेरा बचपन की यादें वहाँ से जुड़ी हुई है काफी ज्यादा, तो मैं वहीं जाके आपके साथ शेयर करूंगा वो जगह कहाँ जा रहे हैं हम और क्या यादें हैं। तो जी ये है वो जगह, ये आपको दिखाई तो हमने मोस्टली बहुत बारी। तो ये BCS है और यहाँ से नीचे है न्यू शिमला। हम जा रहे हैं न्यू शिमला। यस, वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है शिमला की, वन ऑफ द पॉश एरिया, आपको पहले भी बताया था हमने। तो आज सोचा कि अपनी पुरानी यादें भी मैं ताजा कर लूं। तो वो जा रही है हमारी आगे बस स्टैंड को और हम आए यहाँ से लिंक रोड नीचे को और ये है न्यू शिमला। अब न्यू शिमला क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये बाद में बना था और ये इतना अच्छा और सिस्टमेटिक वे से बना था। ध्रुव को भी काफी पता है इसके बारे में क्योंकि इसका बचपन यहाँ पे बीता है। तो जी न्यू शिमला बेसिकली आप बोल सकते हो मिनी चंडीगढ़ है। तो मिनी चंडीगढ़ क्यों? क्यों रोड हेड पे आपके घर है विद पार्किंग। बिल्कुल, और आपको पता है शिमला में पार्किंग की कितनी दिक्कत है, वो हम रोज ही फेस कर रहे हैं विकास नगर में। कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया गया है।
आपको यहाँ से ना पॉश फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि आप किसी अच्छे सेक्टर्स में रह रहे हैं शिमला के अंदर। अगर आप चाहते कोई एक एरिया जो आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे हम अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो और जहाँ आपको पार्किंग भी मिले और फैसिलिटीज भी सारी मिले, तो ये न्यू शिमला एक एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से घर बनाए गए हैं। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट शिमला के अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो चंडीगढ़ में भी सेम ऐसी है, घर है रोड के साइड, यहाँ से ऊपर जाके आपके फ्लैट्स है और साथ में ही है पार्क, जैसे चंडीगढ़ में पार्क होते हैं, पंचकुला में पार्क होते हैं। और मैं अगर आपको यहाँ की फील के बारे में बताऊँ, जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर्स के अंदर कैसा फील होता है, मतलब पार्क के आसपास वाला वो थोड़ा सा शांत रहेगा दिन के टाइम, धूप के टाइम, शाम के टाइम चहल पहल, वो भी शायद यहाँ पे भी ऐसा ही है। और इस टाइम पे बिल्कुल फील आ रहा है और अच्छी अच्छी हवा चली है, मस्त मस्त बिल्कुल चंडीगढ़ वाला फील है, वो भी पहाड़ों में। तो आप ये बोल सकते हो चंडीगढ़ में एसी चला दिया है, नेचुरल एसी जो आपको फील होता रहेगा, आप अंदर रहो चाहे बाहर रहो। और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी अच्छा लगता है कि शिमला में भी कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप जा सकते हो। थोड़ा सा सड़क टाइट है जो मेन सड़क है, बट स्टिल फिर भी आप देखो हर घर में पार्किंग है। ये देखो आप, पार्किंग हर एक घर पे है। और यहाँ पे बचपन में मेरा बहुत आना जाना रहता था। और यहाँ पे बसेस भी चलते हैं, ये देखो इस तरह से बसेस चलते हैं। तो ये पूरा कनेक्ट करती है नीचे तक बसेस, तो एक भी घर नहीं होगा नीचे तक जहाँ पे बस नहीं जाती होगी, और सारी गवर्नमेंट बसेस है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह वेल मेंटेन्ड है और सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, चंडीगढ़ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है न्यू शिमला में, तभी ये न्यू है। जितने भी लोग हैं सब मैक्सिमम प्रेफर करते हैं कि न्यू शिमला में मिल जाए। ऑल दो न्यू शिमला थोड़ा कॉस्टली है, पर रहने लायक जगह है यार, अगर आप शिमला के कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि सिस्टमेटिक वे और प्लानिंग के साथ बनाया गया है। तो उससे अच्छा और क्या है, क्योंकि शिमला में आप देखोगे तो सारे घर एक दूसरे के आस पास चिपके हुए हैं और बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो न्यू शिमला इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्लेस। आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से ओवर क्राउडेड जो है ना यहाँ पे घर होते हैं शिमला में, क्योंकि मैक्सिमम एरियाज में क्या है ना, पहले प्लानिंग नहीं थी तो जिसने जैसा बनाना शुरू किया वैसे ही, और बहुत ज़्यादा जो है ना कंजस्टेड एरियाज है शिमला में। यहाँ पे मेरे को जहाँ तक पता है तो हर एक फ्लैट के साथ एक पार्किंग आपको हमेशा मिलती है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कुछ बिल्डर्स ने कंस्ट्रक्ट किए, कुछ गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स है, किसी के प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी है, तो हर चीज़ है यहाँ पे। बट सबसे अच्छी चीज़ यही है कि सिस्टमेटिक वे में, इसीलिए दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको हम बता दें, यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी भी है, श्रीराम हॉस्पिटल है यहाँ लेफ्ट साइड में, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो ये है जी एंट्री श्रीराम हॉस्पिटल की। और स्कूल की बात करें तो DAV स्कूल और एक और स्कूल था JCB स्कूल, काफ़ी क्लोज था। क्या किया इन्होंने, मतलब आंटी जी ने एकदम गाड़ी यूं ही मार दी थी बिल्कुल, मतलब इतना बच्चा हूं मैं, अगर ब्रेक नहीं मारता मैं आगे अपनी पूरी साइड से चला जाता और वो मेरी साइड ही आ गई। भगवान, ऐसी खतरनाक ड्राइविंग से ना बड़ा डर लगता है। यहाँ से व्यू चेक करो आप, तो जी ये है व्यू, ये देखो कितने मतलब इकट्ठे घर बन रखे हैं यहाँ पे। तो ये वो गवर्नमेंट जो अक्षय भाई बोल रहे थे गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स, वो ये है। बाकी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक बसेस भी अवेलेबल है, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं बचपन में यहाँ पे बहुत आता था, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्कूल है नीचे DAV स्कूल, तो वहाँ पे मेरा काफ़ी आना जाना होता था, और JCB स्कूल क्योंकि उज्जवल की भी यहाँ पे क्लासेस। तो मैं आपको बता दूं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, किसी भी एरिया के लिए इतने नीचे तक बस नहीं जाती है, सिर्फ न्यू शिमला में जो है नीचे तक बस जाती है जहां तक ये सेक्टर्स है। और ये शायद चार सेक्टर्स में डिवाइडेड है, पहला ऊपर वाला था, फिर ये दूसरा होना, इसके नीचे थर्ड, फिर फोर्थ सेक्टर, चार सेक्टर तक है। पार्क तो हर जगह बना रखे है न्यू शिमला में, एक और पार्क, मतलब अगर हर बात करें तो 10-15 घर के बाद एक पार्क है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी सोसाइटी के लिए एक पर्सनल पार्क है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कितना ध्यान दिया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों आता था, क्योंकि मैं सामने आप दिख रही हो बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे खली नहीं, तो मैं पहले वहाँ पे बचपन में रहता था, तो मॉम डैड के साथ वहीं पे रहना था, जो पंडित जी ने भी बताया था कि पंडित जी यहीं पे आते थे पूजा करने। कई बार मैं शादी में भी आया, यहाँ कम्युनिटी सेंटर है तो यहाँ शादियाँ होती है।
तो किसी की भी शादी में आ गया ऐसा कि जान पहचान की जान पहचान की। अच्छा इंसिडेंट और याद आ गया शादी से, मेरा फ्रेंड जो रोहित हमने ब्लॉग में दिखाया था, तो एक बारी वो मुझे लेके गया कि हम चंडीगढ़ में थे, मैं नया नया गया था, सेकंड ईयर में था मैं, तो वो कहता यार आज ना हम शादी में जाएंगे, तो मुझे लगा कि उसकी किसी नून की शादी होगी, तो मैं क्या हमें इन्वाइट किया है, मतलब तुझे इन्वाइट किया है, कहते हमें इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही जाएंगे। अब मैंने कहा यार ऐसे कैसे चले जाए, लोगों ने शुरू किया चलना और उसने कहा रेंडमली जीरकपुर में जो पीछे बैंक्वेट हॉल्स नहीं है किसी में भी घुस जाएंगे, और हम लोग एक अच्छा सा दिखा हमें कि यार ये बढ़िया उसमें घुस जाते हैं, और उसमें बहुत लिमिटेड लोग थे। अच्छा। तो आप गिन के मैं बताऊं उसमें 100 लोग भी नहीं थे। अब मैंने कहा यार ये इसमें ना कम लोग हैं और ये एक दूसरे को जानते होंगे, मुश्किल हो जाएगा। कहते नहीं नहीं कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि हम तो लड़की वालों की तरफ से है, उसको ये भी नहीं पता शादी किसकी है। तो जब रिबन कटिंग होती है ना तो वहां पे वो बात कर रहे हैं कि जैसा शगुन लेते हैं, शगुन पे वो डिस्कस करें, मेरा फ्रेंड सबसे आगे पहुंच गया, और नहीं जी ऐसे नहीं होता, हम इतना देंगे ये करेंगे। मैं कहा भाई मार खाने वाला काम कर रहा, सब उसको देख रहे ये किसकी साइड से। हर एक फ्रेंड सर्कल में जो सेम एज ग्रुप में होते हैं ना बचपन में, तो सब करते हैं ऐसी चीजें। बिल्कुल, और ऐसी चीजें काफी होती रहती और मेमोरेबल, बेशक जितना मर्जी टाइम हो जाए आपको हमेशा याद रहती है चीजें। और सबके फ्रेंड सर्कल में होता है, फैमिली में होता है, कजन्स में होता है, आपकी बहुत सारी यादें होगी जो आपको लगता होगा कि नहीं यार बहुत अच्छी थी, और मन करता होगा शेयर करने की, तो करना चाहिए शेयर आपको, जैसे हम आपसे करते हैं, हमें अच्छे लगता है कि आप भी जानो कि हम लोगों ने क्या किया कैसे किया। यहाँ पे जी पेड पार्किंग भी है। वाह, पेड पार्किंग, इतना स्पेस है कि पेड पार्किंग भी बना ली। हमारे विकास नगर में पेड पार्किंग के लिए भी स्पेस नहीं है। तो आप देखो कितने अच्छे से यार वेल मेंटेन्ड है, मजा आ रहा है यार न्यू शिमला में। और जो ये सड़क आगे को जा रही है ना, यहाँ पे है ये भी न्यू शिमला स्कूल, और मैंने 10th का बोर्ड यहाँ पे दिया है। अच्छा। हाँ, विकास नगर से हम लोग आते थे और यहाँ पे 10th का बोर्ड देने, और काफी स्ट्रिक्टनेस भाई साहब, काफी स्ट्रिक्टनेस। तो अगर आप पुलिस स्टेशन ढूंढ रहे हो न्यू शिमला का, तो इधर है जी न्यू शिमला का पुलिस स्टेशन, क्योंकि जरूरी है ना हर एक जगह पुलिस स्टेशन का पता होना। न्यू शिमला में आके बोलो कैसा फील हो रहा है कि शिमला में है ही नहीं ये जगह। क्योंकि किसी और जगह है न्यू शिमला, आपको ये बोल सकते हैं यूनिक प्लेस है पूरे शिमला की। अब पता क्या है, अगर आप लोग घूमने आते हो तो आप लोग इस जगह नहीं आप आ सकते हो, जैसे न्यू शिमला है छोटी छोटी जगह, क्योंकि ओवर क्राउडेड जगह भी होती है एक हिसाब से, क्योंकि आप पूरा सिटी टप के इधर आओगे। तो हम चाहते हैं आप घर बैठे इस चीज का आनंद लो, हम आपको घर बैठे ये चीजें दिखाएंगे और आप इंजॉय करो। देखो हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप सब्सक्राइब ही करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपको आगे क्या देखना है और कितना आप इंटरेस्टेड हो। स्कूल आ गया वो डीएवी, ये है वो डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो मैंने यहाँ दिया है अपना 10th का बोर्ड, और काफी जब यहाँ बाहर डिस्कशन होती है ना पेपर के बाद कैसा हुआ तो कुछ लोग कहते हैं ओ भाई मेरे को तो सब आता था ये वो, हमें टेंशन हो जाती थी भाई इसका कॉन्फिडेंस, और उनके नंबर सबसे कम आते थे पता है। हम ऊपर निकलते हैं और अब आप टाइम लैप्स एंजॉय करो न्यू शिमला का। वन मोर इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ शेयर करनी है, अगर आप पीजी ढूंढ रहे हो शिमला के अंदर बॉयज या गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पे आपको इजीली पीजी मिल जाएंगे विद ऑल द फैसिलिटीज। यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है, जैसे एक एस्पायर करके खुला है कोचिंग सेंटर, हम एस्पायर कोचिंग सेंटर के बाहर भी जा सकते हैं। हाँ। वो यहीं पे ही है, मतलब बीसीएस में ही है, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। अगर आप लोग नीट आईआईटी वगैरह की कोचिंग लेना चाहते हो शिमला से और आप ढूंढ रहे हो एस्पायर कहाँ पे, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि एस्पायर कहाँ खुला है, पहले कहीं और था अभी शिफ्ट हुआ है। अच्छे रिजल्ट्स हैं इस कोचिंग सेंटर्स के, और काफी दूर दूर से लोग आते हैं एस्पायर में, जैसे बाकी स्टेट से भी लोग आते हैं एस्पायर में पढ़ने, क्योंकि उसके पीछे रीजन दो है, एक तो शिमला जैसा वेदर, पीस शांति और पढ़ाई कॉम्बिनेशन, बच्चों का पूरा ध्यान रखा गया छोटे छोटे बच्चों का, तो यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले स्कूल भी है। उज्ज्वल और दिव्यम भी यही न्यू शिमला के प्ले स्कूल में उन्होंने अपना टाइम बिताया है। मैं अगर एक चीज बताऊँ ना, मैं अगर न्यू शिमला को देखूँ तो न्यू शिमला अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, आप डेली नीड से लेकर स्कूल, मतलब एक जो सिटी पूरी एक प्रॉपर सिटी के अंदर जो कुछ होता है ना सब कुछ, वो एक छोटे से एरिया के अंदर है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके में। अब आगे से बस आ गई, अब देखो आप इतनी बड़ी बस है, जगह है, अक्षय भाई देख रहे हो बंदा बोलना पूरा कम्प्लीट करता है।
बस देखो आप कितनी नजदीक है मुंह के ऊपर, ड्राइवर भी देख ही रहा था मतलब क्या सीन है। ये कंप्लीट कर रहा है पहले बोलना फिर पीछे जा रहा है। तो ये भी एक टैलेंट होता है यार, किसी किसी में आता होता है वो टैलेंट। ध्रुव को पता है कि मुझे बात कंप्लीट करनी पड़ती है, नहीं तो मतलब ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है यार मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो जी यहाँ नीचे है फेस 3 और यहीं से नीचे को जाते हैं हम एस्पायर। एक एंट्री एस्पायर की यहाँ पे भी है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है ना गाड़ी रोकने नहीं देते तो जाम लग जाता है, तो हम नीचे से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फेस 3 एरिया भी बहुत अच्छा है, और ये एक ऐसा एरिया है जो हमारे घर से बिल्कुल सामने, जो भी हम आपको सामने वीडियोस दिखाते हैं ना, इधर को हम आसमान दिखाते हैं और इधर को जब कैमरा पैन करते हैं तो वो बिल्डिंग्स वगैरह दिखती है, एक पहाड़ दिखता है, वो ये वाला पहाड़ है। ये देखो ऊपर एस्पायर का बोर्ड लगा हुआ है बड़े बड़े उसमें लिखा, और ये जो सड़क जा रही है ये एस्पायर को जाती है, यहाँ से उसकी एंट्री है। ये देखो एस्पायर IIT एंड मेडिकल, साथ में देख लो खाने पीने के लिए भी खोल रखे इन्होंने एस्पायर वालों के लिए। इंस्टीट्यूट के आसपास तो हर चीज चल पड़ती है क्योंकि वो जरूरत होती है, बच्चों को भी खाना है और जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको भी खाना है। अब जी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो आपको एस्पायर ही दिखाना था, और सामने विकास नगर का एक व्यू आता है बहुत ही सुंदर। तो जी ये है सामने विकास नगर का व्यू, और वो देख सकते हैं आप ग्राउंड वहाँ सामने, वो है जी तिलक निवास। तो यहाँ से आता है बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। ये था हमारा आज का सफर जो हमने न्यू शिमला तक किया था। काफी सारी यादें हैं न्यू शिमला से जुड़ी हुई, क्योंकि ध्रुव खलीनी रहता था जो कि आमने सामने है, तो न्यू शिमला भी इसका आना जाना रहता था। और जैसा कि बताया ध्रुव ने कि बुआ मामू और ध्रुव मैक्सिमम टाइम वहाँ पे आते जाते रहते थे, और पंडित जी देवकी नंद जी जो हम आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा वो भी इनके घर वहीं पे जाते थे। तो ये भी शिमला में रहता था, इसकी बचपन की एजुकेशन शिमला में हुई है, हम सबकी बचपन की एजुकेशन जो है शिमला में ही हुई है, कुछ की 8th तक हुई है, कुछ की 10th तक, मेरी प्लस 2 तक, मतलब काफी कजन्स की प्लस 2 तक। तो बस यही है कि यार थोड़ी बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, थोड़ी वो मेमोरीज होती है रिकॉल हो जाती है, और बचपना मेरा यहीं पे कटा है, तो मेरे को थोड़ी बहुत मेमोरीज करनी थी रिकॉल। तो सोचा कि एक कॉन्सेप्ट ये आपको दिखा दे कि न्यू शिमला क्यों डिफरेंट है पूरे शिमला में। और नाम देखो ना आप, शिमला तो सब जानते हैं, बट न्यू शिमला, और वो न्यू क्यों है आपको शायद पता लग गया होगा, क्योंकि शिमला ओवरऑल अलग है और न्यू शिमला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कोशिश की हमने छोटा सा प्रयास किया आपको थोड़ा सा बता सके, और उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा भी लगा हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब हमें गांव जाना है, तो गांव की तैयारियां करनी है हमें। हाँ, आपको बताया भी था पिछले व्लॉग्स में कि बहुत जल्द हम गांव जाने वाले हैं, और गांव की एक बहुत खूबसूरत सीरीज आपके पास आने वाली है, तो हम चाहते हैं आप तब तक वेट करें और हमारे व्लॉग्स को इसी तरह से प्यार देते रहे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और देखते रहे टेक इट इजी व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स।